नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर प्रीति मिश्रा दीक्षित। मैं एक फिजिकल थेरेपिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैक पेन के बारे में। बैक पेन एक ऐसी समस्या है जिसको कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया होता है अपनी लाइफ में, कोई ना कोई इसे ज़रूर एक्सपीरियंस करता है। इसमें दर्द बना रहता है हमारे कमर में और हम बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल महसूस करते हैं कोई भी काम कर रहे हों। इसमें कई तरह का पेन होता है। एक तो शार्प स्टैबिंग पेन, ऐसा लगता है जैसे किसी ने चाकू मार दिया हो पीठ पे, ऐसा दर्द होता है। और कई बार लाइट पेन, जो कि काफ़ी टाइम तक बना ही रहता है हल्का हल्का दर्द। हम कोई काम करते हैं या कुछ मूवमेंट करते हैं, हमें हल्का हल्का दर्द महसूस होता रहता है। तीसरा है इसमें कि डाउन टू बटक्स एंड लेग्स, मतलब एक रेडिएटिंग पेन होता है जो ऊपर से नीचे की तरफ जाता हुआ है, वो कमर से शुरू होता है नीचे जाता रहता है। और ये कई बार कुछ नर्व अफेक्ट हो जाती है ना, अगर हमारे वर्टिब्राज में कोई कंप्रेशन है तो चेंजेस है उसकी वजह से, तो भी होता है पेन। अगर इसके जो मेन मुख्य कारण होते हैं उसके बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो इसका कई सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं अलग अलग व्यक्ति पे। दर्द, कमर दर्द का बहुत सारे रीज़न होते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें कौन कौन सी वजह से दर्द होता है। पहली तो कोई मसल या लिगामेंट कोई स्ट्रेन हो गया हो, कोई हमने कोई जंपिंग किया हो, कोई हमें धक्का लगा हो जिससे होता है। बल्जिंग हो गया हो, जो हमारी वर्टिब्रा होती ना उसमें बीच में कोई बल्ज बन गया हो या कुछ रप्चर हो गई हो डिस्क, तो भी नर्व कंप्रेस हो जाती है या नर्व इफेक्ट पड़ता है जिसकी वजह से बैक पेन होता है। आर्थराइटिस की वजह से और ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में कुछ ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो रहा हो उसकी वजह से भी हमें कमर में दर्द महसूस हो सकता है। इसलिए कमर में दर्द के बहुत सारे मुख्य कारण होते हैं। आपको बस कुछ जैसे आपके अगर जो हिस्ट्री है वो देखा जाएगा और हम पता लगाएंगे कि आपको किस वजह से दर्द हो रहा होगा। इसलिए जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसकी पहले पूरी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं, कहीं वो गिरे तो नहीं थे, कहीं उन्हें कोई चोट तो नहीं लगी थी, या कितने समय से ये दर्द उनको बना हुआ है। इसकी वजह से फिर हम पता लगा पाते हैं कि किस वजह से उन्हें कमर में दर्द हो रहा होगा। मिथ्स ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि कमर का जो दर्द है वो ठीक नहीं हो सकता पूरी तरह से, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ मेडिसिन जैसे हम लेते रहते हैं ना लॉन्ग टर्म और हमें लगता है अफेक्ट नहीं करती, लेकिन हम कुछ मसल स्ट्रेंथनिंग और कुछ फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट ऐसे अवेलेबल हैं जिनको लेने की वजह से बैक पेन हमेशा के लिए, और रेगुलरली करते रहेंगे तो आपको बैक पेन में रिलीफ मिल जाता है। इसलिए इस वजह से आप परेशान ना हो कि अब बैक पेन ठीक होगा, नहीं, बैक पेन को बहुत अच्छे तरीके से बहुत गुड वे में ठीक किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फैक्ट्स क्या हैं। तो फैक्ट्स यही है कि देखिए, बैक पेन को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं होती है कि ये ठीक नहीं होगा या इसको लॉन्ग टर्म में हमें मतलब बना रहेगा हमारे ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमें प्रॉपर जानकारी मिल जाए कि आपको बैक पेन किस वजह से हो रहा है तो फिर हम उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से और अच्छी तरीके से कर सकते हैं फिजियोथेरेपी के माध्यम से। और फिर हम कुछ हैबिट्स के बारे में बात करें तो कुछ जो पोजीशन, प्रोलॉन्ग पोजीशन है, जैसे कि लंबे समय तक बैठे नहीं रहना है हमें, है ना, रॉन्ग हैबिट को हमें चेंज करना पड़ेगा। लंबे समय तक एक ही पोजीशन में नहीं बैठे रहना, लंबे समय तक एक ही पोजीशन में नहीं लेटे रहना है, बहुत ज़्यादा भारी भरकम चीज़ को डायरेक्टली अपन को नहीं उठाना है। और कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जैसे लॉन्ग कंप्यूटर में भी लोग झुक के बैठे हुए होते हैं, कुछ जॉब में जाते हैं तो वो भी झुक के बैठे होते हैं, कुछ गलत पोस्चर की वजह से भी हमें पेन होता है। इसलिए हमें रॉन्ग हैबिट को सुधार लेना है ताकि हमें आगे चल के भी प्रॉब्लम ना हो। अगर सेल्फ ट्रीटमेंट की बात की जाए तो जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि घर पे रह के ही हम इसको थेरेपी के माध्यम से या कुछ चीज़ के माध्यम से हम इसे ठीक कर सकें, तो सेल्फ ट्रीटमेंट में आप गर्म सिकाई कर सकते हैं, जो थैली आती है उसमें पानी भर के आप 10 से 15 मिनट सिकाई करिए और कुछ लाइट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिएगा तो आपको रिलीफ मिलेगा। और ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ट्रीटमेंट तो कई तरह के अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम मोस्टली बात करेंगे कि कुछ पेन रिलीफ ट्रीटमेंट टैबलेट्स आती हैं, वो आपको शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म में आपको रिलीफ दे सकती है। लेकिन अगर हम लंबे समय तक अगर चाहते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो हमें पेशेंट्स के साथ फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसकी वजह से हमारा जो कमर का दर्द है वो ज़रूर ठीक हो जाएगा। तो
आज मैं आपको बता रही हूँ सेल्फ एक्सरसाइज, मतलब जो एक्सरसाइज हम खुद से कर लें। तो ऐसी एक्सरसाइज आप जब करेंगे तो आपकी मसल स्ट्रेंथन होगी और आपके बैक पेन में आपको रिलीफ मिलेगा। तो मैं आपको तीन एक्सरसाइज लेकर आई हूँ जो मैं आपको करके बताऊँगी, और आप इसको आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव इससे आपको रिज़ल्ट मिलने लगेंगे। लेकिन रेगुलर आपको कुछ दिनों तक इसे करते रहना है। सबसे पहले आप देखिए, ये रोल है, इस तरह से टॉवेल का एक रोल बनाइएगा और इसको अपनी बैक के नीचे रखना है हमें। जब आप बैक के नीचे रखेंगे और इसे कंप्रेस करेंगे, देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ, कमर के नीचे रख के इसको हमें अपनी कमर के उस हिस्से से दबाना है जहाँ पर हमें दर्द होता है। इसे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहा जाता है। इसे हम दबाएँगे और इसे 10 सेकेंड तक प्रेस करके रखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेकेंड होल्ड करना है और फिर इसे छोड़ देना है। इसके बाद हमें इस एक्सरसाइज को 10 टाइम्स रिपीट करना है। जब हम इसे 10 बार रिपीट करेंगे तो इससे हमें बहुत अच्छा, और उसी समय पे आपको मसल्स बहुत रिलैक्स महसूस होने लगेंगी। तो ये एक्सरसाइज आपको रेगुलर आपको अपने लाइफ में ऐड करना है। आप सुबह टाइम निकालिए, इवनिंग में टाइम निकालिए और इस तरह से इसको रिपीट करते रहना है। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको बहुत अच्छी आपकी बैक में स्ट्रेंथ महसूस होने लगेगी और आपके दर्द भी ठीक होते जाएंगे धीरे धीरे। इसके बाद हम दूसरी एक्सरसाइज करते हैं। आप हमेशा ऐसे ही अपने टॉवेल को पैर उठा के और निकालिएगा, कभी भी जर्क लेके ऊपर नहीं उठना। दूसरी एक्सरसाइज है अपनी मसल्स को स्ट्रेच करना बैक की। तो हम सिर्फ ये वाली पोजीशन लेंगे, आपको सामने से उठना नहीं है। अगर आपके घुटने में दर्द है तो आप इसे पीछे से पकड़ेंगे, ऐसे घुटने पर प्रेशर नहीं लगाएंगे, और अगर घुटना में ठीक है तो आप घुटने से खींच सकते हैं इस तरह से। आपको गर्दन नहीं उठानी है और आपको आगे नहीं झुकना है, हमें सिर्फ बैक की स्ट्रेच करनी है। तो हमारी इस एक्सरसाइज से हमारी बैक स्ट्रेच हो जाएगी। आप इसको भी 10 टाइम्स आप रिपीट करिए, 10 सेकेंड के लिए होल्ड करके। वेरी इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज। थर्ड है साइड की मसल्स को स्ट्रेच करना है हमें। तो ये देखिए, ये पोजीशन आप लीजिए, एक नी के ऊपर दूसरे पैर को रखना है और उसी साइड हमें, जिस साइड हमारा पैर है टो, उस तरफ स्ट्रेच कर देना है हमें। ये साइड हमारी मसल्स ऐसे स्ट्रेच होती जाएगी। इसको भी 10 टाइम्स रिपीट करना है हमें। देखिए, ये 3 एक्सरसाइज मैं लेकर आई थी और आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी को नीड हो तो ज़रूर शेयर करिएगा।